हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शाहवेस काजमी आज आपके सामने अपने काजमी होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है वेरिकोज वेंस। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग से फिर से कहता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेरिकोज वेंस, वेरिकोज वेंस जानने से पहले आपको वेंस को समझना होगा। वेंस का रोल क्या होता है और वेंस क्या है। वेंस यानी कि नस। हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी वेंस का काम होता है उसको हार्ट तक लेके जाना, फिर वहाँ से वो लंग्स में जाती है, वहाँ से वो वेरीफाई होकर के फिर वापस वो बॉडी में अदर ऑर्गन और फिर वापस वो अदर ऑर्गन्स में जाता है बॉडी के। अब इन्हीं वेंस में वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को धीरे धीरे अपवर्ड में ऊपर की तरफ वो पहुंचाते हैं, और जब ये वाल्व जो हैं या तो वीक हो जाते हैं कोई वजह से, एक तरह से कहा जाए ये चोक्ड हो जाते हैं या फिर स्क्वीज हो जाते हैं, तो उसमें जो ब्लड होता है वो बैकवर्ड फ्लो करने लगता है और नीचे जाके वो स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से जो वेंस होती हैं वो इनलार्ज्ड हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, इसमें इनकॉर्जमेंट हो जाता है, थोड़ा zigzag शेप में हो जाती हैं या जिसको हम कह सकते हैं स्नेक जैसी बन जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, तो इन्हीं को ही हम बोलते हैं वेरिकोज वेंस। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसका जो मेन सिम्टम होता है खासकर ये आपके पैरों में होता है, लोअर पोर्शन में, मोस्टली ये काफ्स की साइड पे होता है, फीट में बहुत कम होता है लेकिन लेग्स में ज़्यादातर देखा जाता है। तो जहाँ पे भी ये वेंस इनलार्ज्ड हो जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, वहाँ पे इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, लेग पे हैवीनेस जैसा फील होगा, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो पैरालाइज हो गया है, आप मूव नहीं कर पाते हो कायदे से, एकदम उसमें नंबनेस हो जाता है यानी कि सुन पड़ जाता है, उसमें बर्निंग रहेगी, रेडनेस रहेगी, वेंस का जो कलर होता है वो में ग्रीन पर्पल ऐसा कलर शो होता है, और ख़ास करके ये उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है जो फैट फ्लैबी और फेयर होते हैं, यानी कि मोटे दुबले और गोरे रंग के जो होते हैं उनमें ये वेंस ज़्यादा क्लियर दिखती है क्योंकि इनका रंग जो होता है वो फेयर होता है इस वजह से। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका परमानेंट क्योर है, दो चार महीने लग के कर लेंगे तो वेरिकोज वेंस से आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे। तो जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है आर्निका 30 प्लेंसी में लेनी है आपको। इसका जो खास मेन सिम्टम है वो ये है कि आपको जहाँ पे आपको वेरिकोज वेंस है उसमें चोट जैसा दर्द होगा, ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पे चोट लग गई हो और बहुत ज़्यादा पेन होगा, उस कंडीशन पर आपको आर्निका 30 पोटेंसी में लेनी है। हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है पल्सटिला 30। इसका जो खास सिम्टम है वो है फीमेल जेनिटेलिया के लिए, खास करके फीमेल के लिए है उस कंडीशन पर, स्पेशली वो जब उनका मेनोपॉज स्टार्ट हो या फिर वो प्रेगनेंसी में केस को दिया जाता है, प्रेगनेंसी के साथ साथ उनको वेरिकोज वेंस, उस क्योंकि उस कंडीशन पर उनका जो ब्लड का लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है, इसके वजह से उनका जो पूरा प्रेशर होता है वो उनके लेग्स पे पड़ता है। और दूसरा जो है वो है कि उसमें फीमेल जो सिम्टम है वो है उनको थर्स्टलेस, यानी कि उनको प्यास बिल्कुल नहीं रहेगी, थर्स्टलेस हो जाएंगी, या फिर मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी में भी दिया जा सकता है इसको, कोई उस पर इररेगुलरिटी आ गई हो, तब उस कंडीशन पर आपको पल्स 30 देनी है, दिन में 3 बार, 3-3 बूंद थोड़े से पानी में। अब दूसरी जो मेडिसिन है वो है कलकेरिया कार 200 पोटेंसी में इसको आपको देना है, इसको आपको 1 बार देनी है, 2 से 3 बूंद थोड़े से पानी में। इसका जो खास सिम्टम है, जो इसका जो आपका जो पेशेंट होगा वो फैटी होगा, फ्लैबी होगा, फेयर होगा, यानी कि मोटा होगा, थुलथुला होगा और कोरा होगा, जिसकी वजह से उसकी जो वेरिकोज वेंस है वो आपको काफ़ी क्लियर दिखाई देगी, तो उस कंडीशन पर आपको कलकेरिया का 200 पोटेंसी में देना है। अब हम बात करते हैं जो दूसरी मेडिसिन है वो है हेमेमेलिस, इसको आपको 30 पोटेंसी में देना है। जब आपके वेरिकोज वेंस से ब्लीडिंग होने लगे और साथ में ही उसमें इन्फ्लेम्ड हो जाए, सोरनेस हो जाए, दर्द कुछ ज़्यादा रहे, सीवर पेन हो जिसको कहते हैं, तो आपको उस कंडीशन पर हेमेमेलिस देना है 3 से 4 बूंद 3 बार। जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है क्रेपाइटिस, इसको भी आपको 30 परसेंट में देना है, दिन में 3 बार 3-4 बूंद थोड़े से पानी में।
इसका जो खास सिम्टम है वो ये है, इसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ओबेसिटी होगी मतलब मोटापा होगा, वेट उसका बहुत ज़्यादा होगा, और इसका जो स्पेशली खास सिम्टम वो ये है कि आकाश होते हैं उस मसल में आपको क्रैम्पिंग होगी, यानी कि मरोड़ जैसा पेन होगा, तो उस कंडीशन पर आपको ग्रेफाइटिस देनी है। अब दूसरी जो हमारी मेडिसिन है वो है फ्लोरिक एसिड, इसको आपको 200 पोटेंसी में लेना है दिन में एक बार, 2 से 3 बूंद थोड़े से पानी में। इसका जो मेन सिम्टम है वो ये है कि आपको जहाँ पे भी वेरिकोज वेन्स है उस जगह पे उसके साइड में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होगा, आपको जलन होगी, इचिंग होगी, तो उस कंडीशन पर आपको फ्लोरिक एसिड 200 पोटेंसी में लेना है। दूसरी हमारी जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज, इसका जो मेन सिम्टम है वो ये है कि आपका पैर जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस फील होगा, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा भारी बन है, तो उस कंडीशन पर कार्बोवेज लेना है 200 पोटेंसी में दिन में एक बार, 2 से 3 बूंद कुछ महीने तक लीजिए, आपका ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। और जो हमारी लास्ट मेडिसिन है लैकेसिस 200, उसका जो खास सिम्टम है वो ये है कि आपका जो वेन्स का जो कलर होगा वो पर्पल कलर का होगा, तो उस कंडीशन पर आपको अगर आपकी वेन्स पर्पल कलर की नज़र आ रही है और काफ़ी मोटी है तो उस कंडीशन पे आपको लैकेसिस 200 देना है, 2 से 3 बूंद दिन में एक बार थोड़े से पानी में। और ख़ास करके जिनको वेरिकोज वेन्स है वो अपना पैर थोड़ा अपने जहाँ पे भी वो लेटते हैं उसमें थोड़ा चाहे नीचे उसमें पिलो रख लें, हाइट पे रखेंगे तो जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वो जो वहाँ पे जो स्टोर हो रहा है थोड़ा जल्दी आएगा, इसकी वजह से आपका जो वहाँ पे जो हैवीनेस है वो थोड़ा कम होगा और वहाँ पे जो वेन्स जो एनलार्ज हो गई है उसमें भी थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, कोई नई डिजीज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।